नमस्कार, मैं राज सोलंकी और आप देख रहे हैं मजदूर वाणी टीवी। रानिया हलके के धर्मपुरा गांव से एक हैरानीजनक खबर सामने आई है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें उन्होंने एक महिला को मृत घोषित कर दिया और वह जिंदा है। और जिस बुजुर्ग और को मृत घोषित किया था, वह आपके सामने हमारे साथ जिंदा बैठी हुई है। अधिकारियों ने माता ज्ञान कौर पत्नी मक्खन राम निवासी धर्मपुरा को मृत घोषित करके उनकी पेंशन बंद कर दी है। आइए आपको मिलवाते हैं उस बुजुर्ग महिला से जिनकी पेंशन मृत घोषित करके बंद कर दी गई है। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। माता जी साडे दर्शकां नूं दसो ते तुहानूं किन्ने टाइम तो पेंशन नहीं मिली है? 6 महीने हो गए ते मिली नहीं। एक बारी मिली सी, ओ बस लै दी डाकिए। माता जी ना थोड़े भावुक हो गए ने ते बोल नहीं पा रहे। इस बारे सानू जानकारी देन लई सूर्या हॉस्पिटल दे संचालक ते समाज सेवी डॉक्टर अमरजीत चानी साडे नाल जुड़े हुए ने। सर जी थोड़ा स्वागत है मजदूर वाणी टीवी ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर वाणी टीवी वालों का तो खास करके धन्यवाद है, जो समय समय पर इस तरह के गरीब महिलाओं के गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। डॉक्टर साहब साडे दर्शकां नूं दसो कि यह पूरा मामला की है। देखो, इस तरह के जिहड़े मामले हुंदे आ बहुत ही गंभीर मामले है, एक छोटा मोटा मामला नहीं है। कि मेरे ख्याल इन्हों की 7 मई 2021 तो पेंशन जी इन्ह की बंद कर दी गई है, सिर्फ इस करके कि यह मृत है, लेकिन वास्तविक दे विच अपने कोल ते जिंदा बैठी है। इन्हों का भावक होना भी एक सरकार के मुंह से बहुत वड्डा तमाचा, अधिकारियों के मुंह से बहुत वड्डा तमाचा है। जिहड़ा किसी नूं मृत घोषित करना है, मान लो महिला बुजुर्ग है, इन्हों मृत घोषित करने वास्ते सब तो पहला तो एक डॉक्टरी रिपोर्ट चाहिए है। एक डॉक्टर लिख के देगा भी यह मृत है। उस तो बाद जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के कोल मामला पहुंचेगा, फिर वो लिख के देंगे। और उस तो बाद जिहड़े साडे पेंशन वाले अधिकारी है उन्हां कोले मामला पहुंचेगा, वो ये सारे नूं विषयां नूं जांच करनगे। ये मैनूं ये नहीं समझ आया कि ये किस दी मिली भगत नाल इस तरह का हो गया। देखो, ये मामला एडा गंभीर है कि इहदे विच एक माता जिहड़ी हैगी है उन्हां नूं मृत घोषित किया गया है सरकारी अधिकारियों द्वारा, और ताईं तां उन्हां दी पेंशन कट्टी है, एवें तां कट्टी नहीं। आपां नूं ये चाहिए कि माता जी दे नाल आपां मोढे नाल मोढा लगा के और माता जी नूं न्याय दवाईए सरकार कन्नी। और जिहड़े भी अधिकारी ने इहदे विच गलती की है उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा जब तक नहीं मिलूगी तब तक इस तरह के जिहड़े मामले है ये होर भी अगे आउंदे रहणगे। मैं ये कहूंगा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए है ताकि माता जी नूं न्याय मिल सके। देखो, अगर आप दूजे पक्ष की गल करिए, माता ज्ञान कौर दे पति मक्खन राम की मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु होने के बावजूद ये देखो असी रिकॉर्ड कढ़वाया, रिकॉर्ड के अंदर साफ पता चल रहा है कि इन्हों की मृत्यु होने के बावजूद भी 5 जिहड़ियां हैगियां पेंशन वो कढ़ाइया जा चुकी हैं, और उहदे पूरी ट्रांजैक्शन हुई भी है और उहदा पूरा रिकॉर्ड साडे कोल है। माता जी नूं असी न्याय दवाउण वास्ते इन्हां दे जिहड़ी असी RTI भी लावांगे, और इन्हां दी अगर जरूरत पई तां CM विंडो भी लगावांगे, और इन्हां दे वास्ते असी धरने प्रदर्शन भी करांगे। हर तरह के पक्षों असी माता जी दे नाल चलांगे और माता जी नूं न्याय दवा के रहांगे। और जिन्हें भी अधिकारी इहदे विच भ्रष्ट है, जिन्हां ने भी भ्रष्टाचार किया, उन्हां दा मुखौटा दुनिया के सामने लेके आवांगे तां कि होर कोई अधिकारी इस तरह का कृत करन दी कोशिश ना करे। मैं एक आम जनता नूं भी अपील करदा हां, इन्हां दी बनदी मदद जरूर करन। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे प्रशासन की लापरवाही के कारण एक जीवित औरत को मृत घोषित कर दिया, और एक बुजुर्ग औरत अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। इनका कहना है कि इनको 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है और इनको घर चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बुजुर्ग महिला को न्याय मिले, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी इनको न्याय मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.